उपदेश देते समय कहीं। उसके बहुत से चेलों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर उपदेश है, इसे कौन सुन सकता है। बिना बताए यीशु जान गया कि वे क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है, मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है। मेरी बातें परमेश्वर की जीवनदायक आत्मा को लाती है, पर तुम में से कुछ विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। और तुम, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि यहूदा बारहों में से एक होकर भी उसे पकड़वाने को था।